भारत बनाम बांग्लादेश T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड। भारत और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन के बाद 6 अक्टूबर से जो है तीन मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस सीरीज में तीन मैच होंगे जिसकी शुरुआत ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम से होने जा रही है। इससे पहले भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को जो है 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था। वही भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक जो है 14 T20 मैच हुए जिसमें जो है बांग्लादेश ने केवल एक ही मैच जीता है जबकि भारत ने 13 मैचों में जीत हासिल की है। दोनों टीमों के बीच अंतिम T20 मैच 22 जून 2024 को हुआ था। इस T20 मैच में भारत ने 50 रन से जीत हासिल की थी। वही साल 2019 में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र T20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था तब रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा भारत के कप्तान थे। ये मैच दिल्ली में हुआ था और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 148 बनाए थे। बांग्लादेश ने केवल 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज में यशवंत चहल ने सर्वाधिक 9 विकेट चटकाए हैं। चहल ने 6 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। वही बांग्लादेश के खिलाफ एक T20 में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दीपक चहर के नाम है। इन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। वही बांग्लादेश की ओर से पेसर अल सलाम हुसैन ने जो है भारत के खिलाफ T20 में सर्वाधिक 8 विकेट लिए हैं। ये विकेट उन्होंने जो है 7 मैचों में हासिल किए हैं। वही भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज में युजवेंद्र चहल सर्वाधिक 9 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। चहल 6 मैचों में ये कारनामा जो है वो कर पाए हैं। वही हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो दोनों टीमों में हेड टू हेड में जो भारत का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। भारत का पलड़ा जो है भारी नजर आ रहा है क्योंकि भारत ने अब तक 14 में से 13 मैच में जीत हासिल की है। अब केवल एक ही मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आप दबा दें ताकि खबरें आपको मिलती रहें।